गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो आगे हम एक नए ब्लॉग के साथ, तो आज मैं बताऊंगा आपको 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अभी हम भारत सरकार के संगठन में FICCI और KPMG के अनुसार सन 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 625 बिलियन यानी कि 62,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हर एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, तो इतना तो साल भर में भी हमारी सरकार वैकेंसीज नहीं निकालती हैं जितने कि बच्चे पैदा होते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि बेरोजगारी दर अधिक है, तो फिर इतने सारे लोगों को रोज़गार कौन देगा। और जो रोज़गार मौजूद भी है वो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण दिन ब प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल ड्राइवरलेस कार आ गई है जिससे ड्राइवर की नौकरी छिनती जा रही है। इसी तरह ड्रोन कैमरे आने से एक फोटोग्राफर की रोजी रोटी छिनती जा रही है। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए इंसान को जगह रोबोट का यूज़ किया जा रहा है। और रेलवे में ना जाने कितने लोगों को नौकरियां करने को मिलती थी, और धीरे धीरे उनका क्या निजीकरण किया जा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के टाइम में हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, और इसमें से 1 करोड़ लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का पूरा मार्केट ही खाली है, मतलब इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हुए सन 2016 में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी कंपनी किसी से सीधे पैसा नहीं ले सकती है, उसके बदले उसे प्रोडक्ट देना होगा और वही कंपनी लीगल मानी जाएगी। जिसने भारत सरकार के संगठन FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ताकि कोई कंपनी धोखाधड़ी करके इस फील्ड का नाम खराब ना कर पाए। क्योंकि अब भारत सरकार खुद इस बिजनेस के पक्ष में है और नौकरियां भी कम बची हुई हैं, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही सुनहरा है। बात करते हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। आप नेटवर्क मार्केटिंग के दो तरीके से जान सकते हैं। फर्स्टली, खुद की कोई नेटवर्क कंपनी शुरू करके, या सेकेंडली, या फिर कोई बढ़िया नेटवर्क कंपनी जो है इसे उससे जुड़ के। तो खुद की MLM कंपनी कैसे शुरू करें। स्टेप 1, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनवानी होगी जहाँ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल और जानकारी दे सकें। स्टेप 2, इसके साथ ही आपको अपनी कंपनी का FICCI और IDSA से रजिस्टर्ड भी कराना होगा। इसके अलावा आपको कंपनी रजिस्ट्रार से भी अपनी कंपनी टाइप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वगैरह। स्टेप 3, इसके बाद अपने प्रोडक्ट की आप जानकारी आसपास के लोगों और रिश्तेदारों तक पहुँचाने के लिए कंपनी के वर्किंग सिस्टम और कमाई वगैरह के बारे में बताने के लिए एक योजना यानी कि बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। जैसे कि बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए बात कैसे शुरू करनी है, जिससे आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए उसके मन में इंटरेस्ट पैदा हो। सेकेंडली, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बताना है, कैसे बताना है, किस ढंग से बताना है कि लोग खरीदने के लिए हाँ कर दें। थर्डली, साथ ही आपको ये भी फिक्स करना होगा कि अगर कोई मेरे प्रोडक्ट को बेचवाता है तो बदले में उसको कितना कमीशन देना है, कंपनी से जुड़े लोगों को हफ्ते में कौन से दिन पेमेंट किया जाएगा वगैरह वगैरह। स्टेप 4, बिजनेस प्लान बना लेने के बाद अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक अब लोगों को इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दें। स्टेप 5, जब आपके प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए ठीक ठाक लोग हो जाएं, यानी कि आपकी टीम एक तैयार हो जाए, तो आप खुद प्रमोशन के बजाय कंपनी को मैनेज करने पर ध्यान में लग जाए, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो इन स्टेप्स से आप अपने खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी को शुरू करने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप 1,000 रुपये लगाकर किसी कंपनी से जुड़ जाएँ। इसलिए आपको अब आगे मैं कुछ बताने वाला हूँ कि किस बढ़िया MLM कंपनी से आप कैसे जुड़ सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में सैकड़ों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, लेकिन सब एक जैसी नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की पहली शर्त यही है कि आप जिस कंपनी को चुनने जा रहे हैं, क्या वाकई में वो कंपनी दमदार कंपनी है। क्योंकि
अगर कंपनी अच्छी होगी तो उसके लीडर और वर्किंग सिस्टम भी अच्छा होगा और उस कंपनी से जुड़े लोग भी मिलनसार स्वभाव के होंगे। तो इसके साथ ये भी जान लीजिए कि नेटवर्क कंपनी से जुड़ने के लिए एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें। अगर आपने सोच लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो एक अच्छी नेटवर्क कंपनी का चुनाव करने के लिए खास बातों का ध्यान रखें। नंबर एक, कंपनी के प्रोफाइल को देखें। अच्छी कंपनियों की एक खासियत होती है कि उनका प्रोफाइल अच्छा होता है और ऐसी कंपनियां लंबे समय से मार्केट में धाक जमाए होती हैं। साथ ही इन कंपनियों का FICCI और IDSA से रजिस्टर्ड भी होता है। जिस भी कंपनी को चुनने जा रहे हैं, देखें कि वो कंपनी कहां कहां से रजिस्टर्ड है और कितने समय में अपना सर्विस दे रही है। सेकेंडली पॉइंट आता है कि कंपनी का प्रोडक्ट देखें। यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचती है जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, तो ज़्यादा संभावना है कि जब आप कंपनी से जुड़ जाते हैं तो लोगों को आपके कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आपके प्रोडक्ट को खरीदने की तो दूर की बात है, आपके प्रोडक्ट को पूछेंगे भी नहीं। इसलिए किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले देख लें कि प्रोडक्ट को कंपनी बेच रही है सच में मार्केट में इसकी ज़रूरत भी है, और यदि ज़रूरत है तो ये गुणवत्ता युक्त है जिससे लोग खुद ब खुद ही प्रोडक्ट को लेने के लिए आपसे जुड़ना चाहेंगे। बात करूँ नंबर तीन पॉइंट की, कंपनी के वर्किंग सिस्टम को समझें। जिस भी कंपनी से आप जुड़ने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी नेटवर्क कंपनी का चुनाव करने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज देखें कि कंपनी का प्लान कैसा है। आमतौर पर कंपनियां बाइनरी प्लान पर ही चलती हैं, लेकिन आपसे जरूर चेक कर लें कि आप अपने हिसाब से सही कंपनी को चुन लें, और साथ ही चेक करें कि क्या कंपनी अपने लीडर के द्वारा साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन कराती है या नहीं। पॉइंट नंबर फोर, कंपनी से जुड़े लोगों को परखें। कहते हैं कि संगति का बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि आप चार चोरों के साथ रहते हैं तो पांचवें चोर आप होंगे। इसी प्रकार यदि आपका उठना बैठना और चार करोड़पतियों के लोगों के साथ होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पांचवें करोड़पति आप होंगे। किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले जरूर पता कर लें कि कंपनी से जुड़े लोग पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि इन्होंने कितनी तरक्की की है और उन्होंने प्रगति की है, तो सिर्फ फिर ये इस तरह की कंपनी के आपके लिए बेस्ट है। संगति और माहौल के प्रभाव से एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये तो रही बात नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए बेस्ट कंपनी कैसे चुनने की बात, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने भर में सक्सेसफुल हो जाएंगे नहीं ना। तो आप ये जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के तरीके की बात करें तो ये आप पर पूरी तरह निर्भर करता है। आप इस बिजनेस में रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप अगर लगातार लगे रहे तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, आगे जो भी बताया जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करें, यानी कि कॉपीकैट करें, यानी कि अगले वाले को हमने जो भी हमें बताया जाता है सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को प्रोसेस करना है, यानी अपना जो सिस्टम में मुझे बताया जाता है उसके मुताबिक मुझे उसे इम्प्लीमेंट करना है। नंबर एक, मीटिंग अटेंड करें। यदि आप इस फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो आपको मीटिंग अटेंड करना होगा। मीटिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसे सीखने के बाद सफलता हासिल करना आसान हो जाता है, क्योंकि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। नंबर दो, किताबें पढ़ें। किताबों में हमें लेखकों ने जिंदगी के ढेर सारे अनुभव फ्री में मिल जाते हैं, इसलिए अपनी फील्ड से जुड़े लेखकों की किताबें पढ़ें और उनकी गलतियों से सीखें, क्योंकि हमें इतना समय नहीं मिला है कि हम जीवन भर गलतियाँ ही करते रहें, इसलिए इससे अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। नंबर थ्री, फॉलो अप लाइन। इस बिजनेस में सफल होने का एक सबसे बड़ा मंत्र है अपने अपलाइन को फॉलो करना और उनकी कही बातों को मानना, क्योंकि वे इस फील्ड में आपसे पहले आए हुए होते हैं और उनके काम करने का तरीका उन्हें अच्छे से मालूम होता है, इसलिए अपने अपलाइन की बातों को अनदेखा ना करें। इसके अलावा इन बातों को फॉलो करें कि जिससे आप 100% सफल हो जाएंगे। डेली प्लान और फॉलोअप करें। हमेशा अपने ड्रेस कोड में रहें जिससे आप प्रोफेशनल दिखें। तीसरा, अपने अपलाइन या सीनियर से संपर्क में बने रहें। चौथा, अपने बातचीत करने का ढंग और बेहतर बनाएं। पांचवा, हमसे हमेशा खुद को मोटिवेट रखें। छठा, अपने सपनों के लिए जुनूनी रहें। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ नुकसान भी हैं।
वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सब कुछ पढ़कर आप ये तो जान ही गए होंगे कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट है और कितना फ़ायदेमंद बिजनेस है। बट इसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ नुकसान भी हैं। पहला, पैसा खोने का डर। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कंपनी के बारे में बिना रिसर्च के ही फालतू कंपनियों के बहकावे में आकर उससे जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, मेरा इतना पैसा फंस गया। अगर आप भी ये गलती से किसी अनजान कंपनी से जुड़ जाते हैं तो आगे चलकर आप भी कंपनी को छोड़ने की सोचते हैं तो और इससे आपके पैसे और समय दोनों बर्बाद होंगे। सेकंड बात करूं, लोगों के मजाक का शिकार होना। बाई चांस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ते हैं तो इससे आपके आसपास वालों को आपकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाएगा और आपकी आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। बात करूँ पॉइंट नंबर 3, सक्सेसफुल होने के लिए लंबा वक्त। जी हाँ, आपको इसमें आपको सक्सेसफुल होने के लिए 3 से 4 साल लग जाएंगे। यही वजह है कि कुछ लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं और फिर दूसरों को निगेटिव कर देते हैं। अगर आप 3 से 4 साल धीरज नहीं रख सकते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बात करूँ पॉइंट नंबर 4, फ्रॉड कंपनी के कारण MLM का नाम खराब होना। कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह कुछ धोखेबाज कंपनियों ने इस सिस्टम के नाम को बदनाम करके रख दिया जिससे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का नज़रिया ख़राब हो गया। इसलिए लोग बाग इस बिजनेस को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि कोई भी खेल गंदा नहीं होता है, बल्कि खिलाड़ी गलत होता है जो खेल को ही गंदा कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के दूसरे और भी नुकसान हैं, जैसे कि जब कोई किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ जाता है तो उसके रिश्तेदार सोचते हैं कि ये कंपनी में फंस गया है, और सेकेंडली प्लान दिखाने के लिए जाने पर यही सोचते हैं कि ये हमें फंसाने आया है, और या फिर कभी मुलाकात होने पर कंपनी को छोड़ने की सलाह दिया करते हैं, लेकिन ऐसा वो अपनी नासमझी के चलते कहते हैं। जब आप एक बार अपने काम का रिजल्ट दिखाने लगते हैं तो यही लोग अक्सर पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तुम कितना पैसा कमा लेते हो। लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछा करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्मदाता कौन है। नेटवर्क मार्केटिंग को मिसिज पी एवल नाम की एक महिला ने शुरू किया था। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ महीना कैसे कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ रुपये महीना कमाना आसान है, बस इसके लिए आप इतना ही बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि एक नेटवर्क उतना ही कमाता है जितना बड़ा उसका नेटवर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1886 में एवोन नाम की कंपनी से हुई थी। इस कंपनी को मिसिज पेफ एवली नामक की एक महिला ने शुरू किया था। नेट मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका क्या देखना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी की निम्न चीजें देखना बहुत जरूरी है। कंपनी के प्रोफाइल को देखना बहुत जरूरी है। कंपनी का प्रोडक्ट देखना चाहिए। कंपनी के वर्किंग सिस्टम को समझना चाहिए। कंपनी से जुड़े लोगों को परखना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट का फार्मूला है फ्रेंड्स, जहाँ है फ्रेंड्स, एफ मिस फैमिली एंड फ्रेंड्स, आर मिस रिलेटिव्स, आई मिस इंस्टीट्यूट, ई मिस एम्प्लॉय, एन मिस नेवर्स, एंड डी फॉर डेडिकेटेड पर्सन, एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो स्किल्स का है ना, उन्हें किस तरह सीखें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर रिलेशनशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, पीपल कॉन्वीनेंस स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग गाँव या शहर कहाँ अच्छा है, सही ढंग से काम किया जाए तो ये दोनों जगह अच्छा है, ना ही दोनों बेकार हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की में सफलता की दिशा में पहली बाधा क्या है और क्यों। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की दिशा में पहली बाधा है सीखने पर ध्यान ना देकर कमाई पर ध्यान देना। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत क्यों बोलते हैं। कुछ धोखेबाज कंपनियों ने इस सिस्टम का नाम खराब कर दिया है जिससे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का नज़रिया खराब हो गया है और लोग बाग इस बिजनेस को बुरा भला कहते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी TV एड क्यों नहीं करता। तो आंसर इज, TV पर ऐड चलने पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है जिससे कंपनी का अधिकांश पैसा TV पर विज्ञापन दिखाने में जेब में चला जाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां TV पर ऐड ना करवाकर लोगों के जरिए अपना प्रचार कराती है और ऐड का पैसा TV वालों को ना देकर उन लोगों को देती है जो जिनके जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार किया करती है या अपनी कंपनी का वहाँ पर प्रचार करती है। नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत सन 1995 में हुई थी। भारत में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान के साथ स्वीडन की एक कंपनी आई जिसके तरीके को फॉलो करके भारत कई डायरेक्ट सेलिंग
कंपनियों की शुरुआत की। क्या बिना प्रोडक्ट के नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं? जी नहीं। IDSA के नियम के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। क्या मैं बिना किसी भी गुरु के नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता हूँ? देखिए, गुरु लीडर का काम होता है अपने टीम मेंबर को काम करने का तरीका सिखाना और सही सलाह देना। अगर आप में किसी चीज़ को सीखने की भूख है तो आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के काम करने के लिए पेरेंट्स रेडी नहीं है तो क्या करें? नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आपके पेरेंट्स इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इसका नाम नहीं सुना है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में केवल आप जानते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं। उन्हें लगता है कि कोई फर्जी या फालतू का काम है। वो ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा या बेटी किसी फालतू के चक्कर में पड़ जाए। इसके लिए अपने पेरेंट्स को राजी करने के लिए आप एक बार उन्हें सेमिनार में जरूर लेकर जाएं और उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि कोई फालतू या फर्जी का काम नहीं है, एक रियल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास कम होने पर क्या करें? नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास कम होने पर इसके बारे में अपने अपलाइन से बात करें और जिन्हें आप अपना हीरो, अपने माता पिता मानते हैं, क्योंकि आपसे पहले उनके साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, तो आपको इसका एकदम सही समाधान देंगे। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के पहला गुण होना चाहिए पारदर्शिता का। ऐसी कंपनी अपने टीम के लोगों से कुछ भी छिपा कर नहीं रखती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बताएं कि लोग प्रसन्नता से सुने और ज्वाइन करें? सबसे पहले लोगों की समस्याओं को समझिए और उन्हें बताइए इसका प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के बाद सॉल्व हो सकता है। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को कंपनी में जुड़ने के होने वाले फ़ायदों को भी के बारे में भी बताना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के नियम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का एक सामान्य नियम 10:6:3:1 है, जिसका मतलब होता है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए उनसे संपर्क करते हैं तो उनमें से केवल 6 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए तैयार होंगे और 6 लोगों में से ही 3 लोग बिजनेस करने के लिए हाँ करेंगे और उनमें से भी केवल एक व्यक्ति ही आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। भारत की नंबर वन मार्केटिंग कंपनी कौन सी है? भारत की नंबर वन कंपनी में वेस्टिज और एमबे का नाम आता है। फोर स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? फोर स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के 4 स्तंभ हैं, वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, थर्ड सो द प्लान एंड फोर्थ फॉलो अप। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स की जो वीडियोज़ है लोगों तक पहुँच सके ताकि लोगों को अच्छे से पता चल सके कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना अच्छा बिजनेस है और उनको आने वाला टाइम इसी चीज़ का है, फ्यूचर को देख के हमें चलना चाहिए आज के टाइम पर। आई होप मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।